नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का जो खास टॉपिक है वो है सर्किट ब्रेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक सब स्टेशन में खड़ा हूं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं इक्विपमेंट, ये जो देख रहे हैं ये है सर्किट ब्रेकर। 400 KV के स्विच यार्ड में मैं खड़ा हूं और इस सर्किट ब्रेकर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो ये वही स्विच है एक तरह से, जिसके द्वारा दो सर्किट को आइसोलेट किया जाता है, या तो फॉल्ट के कंडीशन में या फिर पावर काटने की स्थिति में। तो इस स्विच के बारे में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बेसिकली ये कैसे ऑपरेट होता है, या तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन या फिर फॉल्ट के केस में ऑटोमेटिक कैसे ट्रिप होता है, कैसे ओपन हो जाता है और कैसे एक फॉल्टी सर्किट को हेल्दी सर्किट से आइसोलेट कर देता है। पूरे कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम ब्रीफ करेंगे और आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये सर्किट ब्रेकर कैसे स्विच यार्ड में डायरेक्टेड होता है, कैसे हम इसे यूज करते हैं और किस तरह का ये होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये है सर्किट ब्रेकर जो सामने आप देख रहे हैं। ये है सर्किट ब्रेकर, इस चीज को आप देख सकते हैं। ये आर फेज है, बीच में वाई फेज है और लास्ट में बी फेज है। ये एक बे का सर्किट ब्रेकर है। लाइक दैट आप देख सकते हैं कि दूसरे तरफ भी वो तीन सर्किट ब्रेकर आर बाई और बी, लाइक दैट फॉर अनदर वे देयर इज अ सर्किट ब्रेकर। तो इस सर्किट ब्रेकर के कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि बेसिकली ये क्या है। चलिए वाई फेज के सर्किट ब्रेकर पे हम फोकस करते हैं। ये आपका कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स है और ये आपका मैकेनिज्म बॉक्स है। और यहाँ से जो आप ऊपर देख रहे हो ये बाहर में इंसुलेटर है, और ये जो दोनों तरफ देख रहे हो ये इस तरह से और उस तरह से, ये यहाँ पर इसके अंदर में कॉन्टैक्ट्स का मैकेनिज्म सेटअप है, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट ब्रेकर के बारे में आप जानते हैं कि ये एक हेल्दी सर्किट को फॉल्टी सर्किट से आइसोलेट करता है या फिर पावर काटने की स्थिति में ये प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, वो करेंट ट्रांसफार्मर है, और आगे ऐसे आइसोलेटर पे लाइन जा रही है और इस तरह से वो आगे निकल जा रही है। इसी तरह से इस सर्किट ब्रेकर के इस तरफ भी अलग सर्किट है, ये आइसोलेटर है, जैसे कि ओपन क्लोज होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। और इस तरह से ये आगे उतर कर वो ICT ट्रांसफार्मर में चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर में क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं। अगर लोकल में मैनुअली आप ओपन या क्लोज कर रहे हैं इसे, तो हम कहाँ से करेंगे। यहाँ पर दो सेटअप आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया, एक नीचे कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स और एक ऊपर मैकेनिज्म बॉक्स। कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स का मतलब कि इसके अंदर की जो सर्किटरी ड्राइंग है, ये सर्किटरी ड्राइंग के अकॉर्डिंग पूरी वायरिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे वायरिंग है। ये इंटरनल सर्किट है और इस पूरे इंटरनल वायरिंग और सर्किट के अकॉर्डिंग कंट्रोल इसका काम करता है। आप देख सकते हैं इंटरनली ये कॉन्टैक्टर्स रिले हैं और ये MCV है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेशन आ रहा है, ये ग्रीन इंडिकेशन फॉर ओपन इंडिकेशन ऑफ द ब्रेकर। ये जो रेड इंडिकेशन देख रहे हैं, इसका मतलब स्विच ऑन कंडीशन में है ये सर्किट ब्रेकर, और मतलब क्लोज है। और ये जो इंडिकेशन है स्प्रिंग चार्ज का है, मतलब इसके अंदर के जो मैकेनिज्म है उसमें स्प्रिंग चार्ज है। ये जो बटन ग्रीन वाला देख रहे हैं, इसे प्रेस करने के बाद आपको सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज अवस्था में है, मतलब स्विच ऑन कंडीशन में है, और इस रेड बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये जो स्विच आप देख रहे हैं, इसको आप रिमोट में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, रिमोट और लोकल, रिमोट और लोकल। तो अगर हम रिमोट में रखते हैं तो इसको कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे, लोकल मोड में अगर रखते हैं तो यहां से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब काउंटर्स है कि कितनी बार ब्रेकर ओपन क्लोज हुआ है, जो कि काउंटर दिखाया जा रहा है इस मीटर में। और इस प्रकार से इस कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स से हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि ये वाई फेज का मैकेनिज्म बॉक्स है और ये आर फेज का मैकेनिज्म बॉक्स है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये बी फेज का मैकेनिज्म बॉक्स है। ये तीनों फेज के जो सर्किट ब्रेकर हैं, इसके कंट्रोल क्यूबिकल बॉक्स यहाँ है, यहाँ से कमांड देने पे ये जो
तीनों आप सर्किट ब्रेकर देख रहे हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, तीनों फेज के सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होंगे। ये हम मैकेनिज्म बॉक्स के ऊपर में हैं और मैकेनिज्म बॉक्स को दिखा रहे हैं कि बेसिकली अंदर में क्या है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्या मैकेनिकल सेटअप होता है इस चीज का, आपको मैं बताऊंगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में स्प्रिंग होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग और एक यहाँ पे स्प्रिंग। ये जो इंडिकेशन देख रहे हैं, ये चार्ज और ये डिस्चार्ज का है। यहाँ पे दोनों एरो आप देख रहे हैं, इधर से एरो, ऊपर से दो एरो है, ये इंडिकेशन का मतलब कि स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है। अगर ये जो सेटअप है, ये नीचे अगर आ गया, यहाँ पे होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग लूज है, मतलब स्प्रिंग डिस्चार्ज है। लाइक दैट यहाँ पर सेटअप है, अगर ये जो नॉब आप देख रहे हैं, अगर ये ऊपर में हो, इसका मतलब कि स्प्रिंग चार्ज है, और अगर ये यहाँ पे हो, इसका मतलब कि स्प्रिंग डिस्चार्ज है। तो ये जो स्प्रिंग चार्ज और डिस्चार्ज करने का जो प्रोसेस है, ये मोटर के द्वारा होता है। यहाँ पे मोटर होता है, वो मोटर इसको, इस स्प्रिंग को चार्ज करता है और डिस्चार्ज करता है। अभी फिलहाल देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में है, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग ही ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को ओपन और क्लोज करता है। ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म सेटअप है, ये SF6 मॉनिटर गेज है। इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो SF6 गैस फिल्ड है, जो कि हाईली प्रेशराइज होता है, मोर देन 6.5 बार इसका प्रेशर होता है। और ये जो मैकेनिज्म सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका स्प्रिंग चार्ज है इस चैम्बर में, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मैकेनिकल सेटिंग है, यहाँ मैकेनिकल सेटिंग है, इस तरह से ये मैकेनिकल सेटिंग है। और ये आगे जाकर ये एक रॉड के द्वारा, देखिए, ये अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इस पूरे सेटअप में अंदर गया, और ये क्या करता है, ऊपर से कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं, एक रॉड टाइप का, एक रॉड लगा हुआ है, और प्लंगर सिस्टम है, जो कि इधर से कॉन्टैक्ट और इधर से कॉन्टैक्ट, उधर से फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, इधर से फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और ये जो रॉड है, इसको ऐसे खींचता है और लगाता है, खींचता है और लगाता है। तो ये जो जल्दी में काम होना चाहिए, जैसे फॉल्ट हो गया, उस कंडीशन में जल्दी से ट्रिप हो जाना चाहिए, जल्दी से अगर क्लोज कमांड दे रहे हैं तो जल्दी क्लोज होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होना चाहिए, उसके लिए ये स्प्रिंग को यूज किया जाता है। अगर स्प्रिंग मान लिया कि डिस्चार्ज हुआ, अगर ये डाउन जाता है, इट मींस कि ये जो सिस्टम देख रहे हैं आप, रॉड प्लंगर सिस्टम देख रहे हैं, ये डाउन जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर होगा, मतलब उस तरह से मैकेनिकल एडजस्टमेंट इसका होगा, जिसके द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं इस मैकेनिकल एडजस्टमेंट को किस तरह से डिजाइन किया गया है, और वो रॉड भी आप देख रहे हैं कि कैसे वो अंदर जाएगा, इस सेटअप में जाएगा। इसको आप दूर से ऐसे देख सकते हैं, देखिए उधर ये मैकेनिज्म बॉक्स है, इसके वो साइड वो ये वाला चैम्बर है, जिसके मैं आपको आप ये आर फेज वाला में देख सकते हैं, यहाँ से ये जो वो चैम्बर है जिसमें रॉड जाएगा, और ये ऊपर से ये जो कॉन्टैक्ट होता है, उस कॉन्टैक्ट को खींचेगा नीचे की ओर, तो ओपन हो जाएगा। इधर से फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, जिससे ये ओपन होगा। अगर क्लोज करना है तो ये क्या करेगा, रॉड ऊपर जाएगा। इस स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज और ये SF6 गैस मॉनिटरिंग और ये जो ओपन क्लोज कमांड है, ये सब की जो वायरिंग है, इस टीवी पे आता है, और यहाँ से सारा इंडिकेशन, वहाँ से सारी जो वायरिंग है वो कियोस्क में जाएगी, और वहाँ पर रिले है, रिले से ये सब कुछ, सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ पे स्प्रिंग आप देख सकते हैं, गियर मैकेनिज्म है, ये मोटर आपको दिखा दूं कि कैसे स्प्रिंग चार्ज करता है। ये देखिए, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ये मोटर क्या करेगा, मोटर हो गया, और यहाँ पे गियर लगा हुआ है, ये गियर मैकेनिज्म के द्वारा स्प्रिंग को चार्ज करेगा। जैसा कि मैंने स्प्रिंग आपको अभी दिखाया था, वो पीछे साइड दिखाया था, पीछे साइड का पोर्शन था, ये स्प्रिंग चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इस चैम्बर में स्प्रिंग है, ये मोटर ऑपरेट होगा, गियर के द्वारा उस स्प्रिंग को चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। और यहाँ पे जो मेन चीज है, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे ट्रिप होता है और कैसे क्लोज होता है कमांड देने के बाद, वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपिंग कॉयल। इसके अंदर में कॉयल है, कॉयल नंबर 1, कॉयल नंबर 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ भी है, मैनुअल ओपन, ठीक है। तो जैसे अगर आप कमांड देते हैं, जैसे ही कमांड देंगे, ये पॉजिटिव पल्स इस वायर के द्वारा जाएगा और इस क्वाइल को इनर्जाइज करेगा।
ये एक डीसी कॉइल है, इस कॉइल को इनर्जाइज होने के लिए पॉजिटिव निगेटिव टू पोटेंशियल चाहिए 220 वोल्ट का। अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल इसको मिल रहा है तो ये कॉइल इनर्जाइज होगा। अगर ये कॉइल इनर्जाइज होगा तो इसके अंदर मैकेनिकल प्लंगर सेटिंग इस प्रकार से है कि वो उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये जो स्प्रिंग आप चार्ज देख रहे हैं डिस्चार्ज होगा और इस तरह से इस कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किस तरह से इस चीज में सेटअप होता है, यहाँ पे मैकेनिकली एक रॉड जाता है और यहाँ पे सेटअप होता है, वो इसके द्वारा ही होता है। तो बेसिकली ये ट्रिप कॉइल है जो आप देख रहे हैं, आपने पढ़ाई भी की होगी, आपने सुना भी होगा, यही एक ट्रिप कॉइल है जिसके कारण फॉल्ट के केस में भी कमांड डीसी को आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टू पोटेंशियल इसको मिलेगा, ये इनर्जाइज होगा और इस तरह से ऑटोमेटिक ऑपरेशन करेगा। इसी प्रकार से इसके अंदर एक क्लोजिंग कॉइल भी है जो क्लोज करता है, वो अगर कॉइल इसी प्रकार का कॉइल होगा जो कॉइल इनर्जाइज होता है, आप वहां से देख सकते हैं, वहां पे वो क्लोजिंग कॉइल है, ठीक है। वो कॉइल में भी दो पोटेंशियल चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, वो कॉइल इनर्जाइज होगा तो ऑटोमेटिक क्लोज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम है इसका ऑपरेशन का, कि मैकेनिकल सेटअप और ये इलेक्ट्रिकल सेटअप कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, उस चीज को आप बखूबी देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए वही मैग्नेट बॉक्स है जिसको ओपन करके मैं आपको दिखा रहा था, और ये सर्किट ब्रेकर है जिसको मैं आपको दिखा रहा था, ये मैं ऊपर चढ़ के आपको शूट कर रहा था। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आपने समझा कि कैसे प्रैक्टिकली सर्किट ब्रेकर होता है और सर्किट ब्रेकर कैसे कंट्रोल होता है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। ये वही स्विच है जिसके द्वारा हम पावर को कट करते हैं ऑनलोड कंडीशन में, और अगर लाइन में फॉल्ट आ गई या फिर सबस्टेशन के अंदर में फॉल्ट है, मतलब सर्किट में फॉल्ट है, तो रिले फॉल्ट को सेंस करते हुए इसी सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है और ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक पावर को कट करता है, और इस तरह से हमारे जो जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं वो फॉल्ट के कारण डैमेज होने से बच जाता है। आपको मैंने बताया था इसके अपने प्रीवियस वीडियो में कि आइसोलेटर भी स्विच है और सर्किट ब्रेकर भी स्विच है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आइसोलेटर है 400 केवी का और ये आपका सर्किट ब्रेकर है, दोनों पावर को कट करने के लिए ही प्रयोग होता है। इसको ओपन कर देंगे, वो जो सिस्टम देख रहे हैं वो ओपन हो जाएगा तब भी पावर कट जाएगा, ये ओपन हो जाएगा तब भी पावर कट हो जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस ये है कि इस स्विच को आप ऑनलोड कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं और उसे ऑफलोड कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर पावर नहीं है, डी इनर्जाइज कंडीशन में है, पावर नहीं है उस अवस्था में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन या क्लोज कर सकते हैं। जब पावर है उस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि सर्किट को हम डिस्कनेक्ट कर दें तो आपको सर्किट ब्रेकर का यूज करना पड़ेगा। आप इस चीज का जो कमांड है स्कैडा से दिया जा सकता है, कंट्रोल रूम से दिया जा सकता है, या फिर आप देख सकते हैं, आपको इस स्विच यार्ड में मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर कियोस्क बने हुए हैं, यहाँ पर हर एक बे के कियोस्क बने हुए हैं, वहां पे छोटा सा एक घर टाइप का आप देख रहे हैं, उसके अंदर रिले पैनल है, कंट्रोल पैनल है, वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, सर्किट ब्रेकर का प्रैक्टिकल क्या उसका मैकेनिज्म सेटअप होता है, कैसे हम ऑपरेट करते हैं, और ये चीज क्या है, कैसे हम इस चीज को सबस्टेशन में कंट्रोल करते हैं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको इससे जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।